गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय 3 से संबंधित हम लोग कुछ बेसिक तत्व पढ़े थे, जिसमें आप लोग को बताया गया था नोट नंबर 4 पर पहला तबका प्राकृत संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्या और चौथा पूर्ण संख्या। इन 4 संख्या के बारे में बता चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या के पहले हमको जानना आवश्यक है अपवर्तक, ठीक है, क्या किसी से रिलेटेड उसका नियम है, तो उसके ऊपर हम समझेंगे अपवर्तक। इसके बाद हम समझेंगे संपूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए इसको याद करके सुनेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अपने नोटबुक में भी इसे नोट करते चलेंगे। सबसे पहले अपवर्तक क्या है, ठीक है। तो अपवर्तक वैसी संख्याएं जिनमें जिन जिन अंकों से पूरा पूरा भाग लगता है, तो भाग लगने वाले अंकों का संख्या ही अपवर्तक कहलाता है। ध्यान देंगे फिर से कि वैसी संख्याएं जिनमें जिन जिन अंकों से पूरा पूरा भाग लगे, तो भाग लगने वाला अंक ही उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। इस बात को नोट करेंगे कि वैसी संख्याएं जिनमें जिन जिन अंकों से जिन जिन अंकों से पूरा पूरा भाग लगे, पूरा पूरा भाग लगे तो भाग लगने वाला अंक ही तो भाग लगने वाला यानी भाग लगने वाला अंक ही अपवर्तक कहलाता है। यह है तो भाग लगने वाला अंक ही अपवर्तक कहलाता है। जैसे मैं देखेंगे जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 10 का अपवर्तक बताएं, 10 का अपवर्तक, तो हम लोग यहां देखेंगे जो संख्या 10 लिया गया है और 10 का अपवर्तक पूछा गया है, तो देखेंगे जो संख्या 10 है इन 10 में किन किन अंकों से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, कुछ भी शेष नहीं बचे। तो देखेंगे कि जो 10 है इसमें एक से भाग लगेगा, एक दाहिना 10, दो पंचे 10, आठ दुगुने 10 और 10 से कम 10, अर्थात जो यहाँ 10 का अपवर्तक है वो आपका 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, यानी 10 का अपवर्तक कितना है 4 है, 1, 2, 5, 10, ये चारों क्या है 10 का अपवर्तक है। यही बात यहाँ लिखा गया है कि वैसी संख्याएं जिनमें जिन जिन अंकों से पूरा पूरा भाग लगे, तो भाग लगने वाला अंक ही अपवर्तक कहलाता है। तो 10 का अपवर्तक क्या है जी, 1, 2, 5 और 10, समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नोट नंबर 6 की तरफ, यानी संपूर्ण संख्या, ठीक है। अब लिखेंगे नोट नंबर 6 में संपूर्ण संख्या। इसके पहले आपको बताया गया था पूर्ण संख्या, यह है संपूर्ण संख्या। आप लोग पर पूछना होंगे यहाँ क्या जी संपूर्ण संख्या, तो पहले जो समझे कि मौखिक रूप से संपूर्ण संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग संख्या मान के
दुगुने के बराबर हो उन्हें हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रश्न में ध्यान दूंगा कि वैसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग संख्या मान के दुगुने के बराबर हो उन्हें हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे, लिखेंगे वैसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग संख्या मान के दुगुने के बराबर हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझे की सुबह से वैसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग संख्या मान के दुगुने के बराबर हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसे लिखेंगे लाइना और एक से लिखेंगे यहाँ पे एक से सौ यानी 1 to 100 एक से सौ के बीच मात्र दो ही संपूर्ण संख्या है जो 6.28 है। कौन है जी? दो संख्या था 6.28। ये क्या है? यही एक से सौ के बीच वाला जो संख्या है जो संपूर्ण संख्या का रोल निभाता है। आज हम जांच करेंगे कि 6 और 28 का जो संपूर्ण संख्या है इसके अपवर्तक का जो नियम का है इसके अनुसार संख्या मान के दुगुने के बराबर है कि नहीं। तो चलिए इसे हम जांच करते हैं। क्या लिखेंगे? 6 का अपवर्तक आप बताएंगे यहाँ पे 6 का अपवर्तक क्या क्या होगा जी? तो इसमें आपका हो जाएगा 1 यानी 1 से भाग देगा 6 का पूरा हो जाएगा 2 फिर 3 और स्वयं 6 यानी 1 से भाग देगा 6 का पूरा 2 से भी 3 से भी और स्वयं 6 से भी यानी 6 का अपवर्तक क्या है कि 1, 2, 3, 6। और नियम क्या कह रहा है कि इनके अपवर्तकों का योग क्या कह रहा है? योग। अब इसको ऐड करेंगे यानी 1+2+3+6 इसको लिखेंगे 6 कितना है? 1, 2, 3, 6, 6, 12 कितना यानी 12। अब ध्यान देंगे फिर चलेंगे नियम पर। क्या लिखा गया है कि जिनके अपवर्तकों का जो संख्या मान के दुगुने और संख्या क्या है? संख्या का 6 है और इनका अपवर्तक ये कितना है? 12। क्या है? संख्या में दुगुने के बराबर हो यानी जो 12 है क्या है? 6 के दुगुने के बराबर है। 12 क्या है? 6 के दुगुने के बराबर है। 6 क्या है? संख्या है और 12 क्या है? तो संख्या के अपवर्तकों का योग है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि मैं बातों को समझ चुके होंगे। ऐसे ही आप लोग 28 को जांच कर सकते हैं। चलिए इसको हम बताते हैं। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ लिखेंगे 28 का अपवर्तक इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 4,
सात, चौदह, ठीक है, चौदह और स्वयं अट्ठाईस, यानी एक दो चार सात चौदह अट्ठाईस, इसको ऐड करेंगे अट्ठाईस, देंगे अट्ठाईस। अब जो है इसको ऐड करेंगे इसका पड़ता को, एक प्लस दो प्लस चार प्लस सात प्लस चौदह प्लस अट्ठाईस, कितना है सहयोग जी, चौदह अट्ठाईस बयालीस, बयालीस सात उनचास, उनचास चार त्रिपन, त्रिपन दो पचपन, पचपन एक छप्पन, कितना क्या जी सारा छप्पन फिफ्टी सिक्स, इधर क्या है ट्वेंटी एट है, यानी आप देखिए यहाँ से जो छप्पन है क्या है अट्ठाईस के दुगुने के बराबर है, अट्ठाईस दुगुने छप्पन बिल्कुल है। तो यही है आपके छप्पन संख्या के नियम और इसके एग्जाम्पल, इसे आप नोट करेंगे ठीक है नोटबुक में और इसे अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।